190 लम्हुआ विधानसभा के उजीपुर गांव में बसपा प्रत्याशी अवनीश सिंह उर्फ गुड्डू ने किया जनसंपर्क। ग्राम प्रधान दिलीश खान, श्री अखिलेश सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में समर्थक रहे मौजूद। श्री सिंह ने बताया कि मैं जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद के अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के सम्मान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए प्रयास करूँगा। रिपोर्ट रविवार, शंकर तिवारी, लम्हुआ। असल में आप क्या देने जा रहे हैं? जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, ये हमारा एजेंडा है। हम 5 साल में जो भी स्थानीय समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, इनका निराकरण करेंगे। इसके लिए जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और चूँकि लम्हुआ विधानसभा जो है वो सड़क के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बहुत पिछड़ा है। आज तक जितने भी विधायक हुए हैं उन्होंने इन क्षेत्र पर कोई काम नहीं किया है। इसलिए हमारा यही मुद्दा है कि मैं नौजवानों को, जो भी दलितों को, वंचितों को, उनका जो है न्याय दिलाऊंगा, उनके लिए जो है संघर्ष करूंगा। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ के युवाओं को एक भी रोजगार की व्यवस्था किसी भी सरकारों ने नहीं की है, आपसे क्या अपेक्षा किया जाए? देखिए, हमने तो हमारा परिवार जो है हमेशा युवाओं के कल्याण के लिए कार्य किया है। हम जिस गांव से आते हैं वो गोमती नगर का, जिस तरह ये वजूपुर किनारा है उसी तरह से रामगढ़ भी जो है गोमती नगर का, गोमती नदी का किनारा है। लखनऊ से हो भैया? हमने वहाँ पर शुरू में ही जो है प्राथमिक स्तर तक विद्यालय स्थापित कराया शिक्षा के लिए, फिर जूनियर कॉलेज, फिर इंटर कॉलेज, फिर डिग्री कॉलेज, फिर हमने जो है रोजगार शिक्षा के लिए जो है बीएड, बीबीएड, बीटीसी, इन सारी सारी जो है संस्थाएं स्थापित कराई। इसके बाद हमने जो है ला कॉलेज स्थापित कराया, जिससे सब स्वावलंबी हो पाए, अपने पैर पर खड़े हो पाए। और हम जो है हर वर्ष जो है वॉलीबॉल का कार्यक्रम कराते हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहाँ पर हम बुलाते हैं, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले, वह शिक्षा के साथ साथ खेलकूद पर भी रुचि लें और आगे बढ़ें, बनते हैं। तो हमने शुरू में ही वादा किया था बाबूजी के जन्मदिन, जो वॉलीबॉल का कार्यक्रम चल रहा था, आप सबको याद भी होगा, आप आए भी थे भैया, तो हमने कहा था कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर एक स्टेडियम की स्थापना करेंगे, चाहे अगर ज़मीन उपलब्ध हो पाई यहाँ जिला तहसील मुख्यालय पर, नहीं जहाँ भी हमारे घर नहीं मिलती है, तो हम अपने क्षेत्र में अपने स्वयं की ज़मीन देकर के एक अच्छे स्टेडियम की स्थापना करेंगे, जिससे बच्चों को खेल कूद का जो है व्यवस्था हो पाए। और पार्टियाँ जाति समीकरण को लेकर के अपनी भूमिका बना रही हैं, जाति समीकरण को लेकर आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, हम हमारे हमारी नेता बहमानी बहन जी ने सर्व समाज के लिए जो है सबसे पहले उन्होंने जो है सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा उन्होंने दिया है। तो हमारे साथ सर्व समाज की हम बात करते हैं, हम जात वर्ग और धर्म की बात नहीं करते हैं। जो भी लोग वंचित हैं, जो भी जो है दलित हैं, उनके लिए, उनके न्याय और उनके लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे। हमारी पार्टी संघर्ष करती रहती है, बहन जी संघर्ष करती रहती हैं, हम सब जो है बहन जी वादी हैं, बहन जी की जो है विचारधारा पर काम कर रहे हैं।